वीना देखा आखिर पोता किसका है? साइना, मैंने मना किया था ना तुम्हें कि मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना, तो फिर क्यों हाथ लगाया तुमने? बस सानिया, पागल हो गई हो तुम? हाँ, क्या हुआ अगर उसने बच्चे को उठा के थोड़ा सा प्यार कर लिया तो? क्यामत तो नहीं आ गई ना? उसका भी तो रिश्ता है इस बच्चे से, खाला लगती है वो इसकी। खाला? किसे खाला कह रही हैं आप? डायन है ये, अपनों के भी घर पर बात कर देती है, आपको समझ में नहीं आती मेरी बात? बस चुप कर जाओ, खुदा के लिए चुप कर जाओ, जो मुंह में आता है बोलती चली जाती है। कितनी एहसान फरामोश होता, पूरी प्रेगनेंसी में इसने तुम्हारा ख्याल रखा, भूल गई तुम? अगर मुझे पता होता कि उन खिदमतों का सिला ये ऐसे देती कि मेरे ही शौहर पर डोरे डाल रही होती, तो मैं कभी खिदमत ही ना करने देती इसे। खुदा का वास्ता, जो कहना है कह दो, लेकिन इतना गंदा इल्जाम ना लगाओ मुझ पर। तुम कर रही हो, सच में पछताओगी। सानिया, क्योंकि इस बार भी मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही है। और बेटा तुम्हें क्या हो गया है? औरत तो जब माँ बनती है तो उसका दिल नरम हो जाता है, लेकिन तुम्हारा तो पता नहीं। जालिम है ना, जुल्म करती हूँ ना मैं तुम पर? हाँ, जालिम हो गई हो तुम, लेकिन बेटा इतना जुल्म ना करो कि उसका कफारा ही अदा ना कर सको। मुझे पता है आप ये सब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसने आपके सामने भी अपनी मजलूमियत का रोना रो रो कर आपको भी अपना हमदर्द बना लिया। जिससे इसका खून का रिश्ता है, जो इसकी बहन है, उसको तो इस पे यकीन आया नहीं। मुझे इसकी बात पे यकीन आए ना आए क्या फर्क पड़ता है बेटा? फर्क नहीं पड़ता खाला, कैसे फर्क नहीं पड़ता? मेरी सगी खाला इस गैर का साथ दे रही है, अपनी भांजी का नहीं, इस गैर का। मेरा शौहर मुझसे दूर हो गया है, मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद हो गया, आप कह रही हैं क्या फर्क पड़ता है? तो फिर ठीक है, काम करते, हम जाके अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं। बीना को और आपा को यहाँ छोड़ के हम अपना घर बसा लेंगे, फिर तो ठीक है ना? मत रो बेटा, कैसे समझाऊं इसको?